नमस्कार, समाचार फॉर मीडिया के इवनिंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं मीडिया जगत की पांच बड़ी खबरें आज क्या हैं। जानी मानी न्यूज एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल यानी कि ANI में तमाम पदों पर वैकेंसी है। इसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दैनिक जागरण के बाहरी दिल्ली ब्यूरो प्रभारी रहे संजय सलील को लेकर खबर है कि उन्होंने समूह को अपना इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि उन्हें जनवरी में डेस्क पर शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली थी। तीन केबल ऑपरेटर्स के द्वारा दायर याचिकाओं के जवाब में दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण ने एक प्रमुख ब्रॉडकास्टर के खिलाफ लॉजिकल चैनल नंबर 1 में रैंक के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया है। DTSAT की चेयरपर्सन बेंच जस्टिस DN पटेल और सुबोध कुमार गुप्ता ने यह फैसला सुनाया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई प्रसारण क्षेत्र के लिए विनियामक ढांचे से संबंधित मुद्दों पर एक नया परामर्श पत्र यानी कि कंसल्टेशन पेपर लाने की योजना बना रहा है। न्यूज एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल ने होली से पहले एम्प्लॉय एम्प्लॉयज को खास तोहफा दिया है। दरअसल इस न्यूज एजेंसी ने तय किया है कि 1 मार्च 2023 से अपने एम्प्लॉयज को हफ्ते में 2 दिन का साप्ताहिक अवकाश यानी कि वीकली ऑफ दिया जाएगा। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। मीडिया जगत से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट को विजिट करें।